हमें ओपन लोड मिलता है या तो कम लोड दिखता है यहाँ पर, ठीक है। करंट देख के हमको लोड का अंदाज़ा आ जाता है कि भाई कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं या थोड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, ऐसे ही ये करंट का माप है। करंट बताता है आपको कि कितना खर्च हो रहा है, ओके। तो हम अभी पहले ओपन लोड और शॉर्ट लोड और मीडियम लोड इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वायर के लिए हमने यहाँ दे रखा है और माइनस अभी हमने नहीं दिया है इसको, बिकॉज हमें अभी सप्लाई देखनी कितनी है हमारी। ये 5 वोल्ट की पैनल है तो इसको 5 से अधिक नहीं देना है। 5 से अधिक दोगे तो क्या होगा, ये आईसी फायर। तो देखो अभी इस समय पे क्या बता रहा है ये, 90 मिली एम्पियर। अभी देखो यही चीज मैं अगर जो इसके थ्रू ना देकर इसके थ्रू देता हूँ करंट में, तो एक्चुअल करंट मुझे दिखेगा ना, ठीक है, मिली एम्पियर में देख रहे हैं पहले, ओके। जो डिजिट है ना वो कम बता रही थी, बिकॉज हमको 90 नहीं दिख रहा है ना, ये आपको परफेक्ट बताएगा मिली एम्पियर में। अब ये कितना खर्च हो रहा है इधर वो हम देखने के लिए पॉजिटिव प्रोब को यहाँ रख देते हैं। देखो डरने की ज़रूरत नहीं, करंट नहीं आता इधर, ओके, पकड़ लेना है ऐसे हाथ से, और माइनस प्रोब को यहाँ टच करना है और चेक कर लेना है कि आपकी पोजीशन प्रोब की और डायल की करंट में हो, और करंट हमेशा हम सीरीज में चेक करते हैं, ओके। तो मीटर से और माइनस से यहाँ टच कर रहे हैं और एम्पियर चेक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर अभी क्या बता रहा है करंट, 80 मिली एम्पियर। ये कुछ भी हो सकता था, इसके लिए हमने क्या रखा, ये मीटर रखा, ताकि मिली एम्पियर में देख कर हम पता लगा पाए कि एक्चुअल एम्पियर कितना है। तो यहाँ पर परफेक्ट अगर जो गिनती में किया जाए तो 84 मिली एम्पियर है, 0.9 को मैंने 84 कर दिया, ठीक है। सो 84 मिली एम्पियर करंट है, और एक्चुअली इसमें DC to DC आउटपुट नहीं बन रहा है तब इतना है, अभी खाली रेगुलेटर और प्रोसेसर है, ठीक है, इस लोड में। इस लोड में अभी DC to DC IC एक्ट में नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक्ट में है या नहीं है। तो यहाँ पर अभी वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज इनपुट हमने जो दिया है 4.2, बिकॉज हम अभी करंट में यहाँ पर कुछ लोड इस मीटर के थ्रू भी होता है, ओके। अभी करंट क्या बता रहा है यहाँ पर, 84 यहाँ बता रहा है, 80 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट लोकेशन, अभी पूरा लोड नहीं है यहाँ पर, 3.3 वोल्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं पहले, ठीक है, 3.1 वोल्ट आ रहा है, बिकॉज हमने इनपुट में 5 की जगह पे थोड़ा कम दिया है, ओके, बिकॉज ऑफ मीटर। यहाँ से तो पूरा दिया है लेकिन मीटर के थ्रू कम मिल रहा है इसको। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें आउटपुट वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितना बन रहा है, 4 वोल्ट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। पल्स नहीं बन रहा है, हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। अब इसमें पल्स नहीं बनने का कारण क्या है कि इसमें टिकॉन प्रोसेसर बंद है, टिकॉन प्रोसेसर को जाने वाले 3.3 तो बन रहे हैं लेकिन आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, बिकॉज पावर ऑन यहाँ पर 0 वोल्ट है, ओके। यहाँ पर अगर जो हम 3.3 वोल्ट देते हैं करंट पे, हम फर्क देखेंगे आप, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं 3.3 वोल्ट यहाँ से दे रहा हूँ ऐसे, और वहाँ क्या फर्क है, 118 मिली एम्पियर, और यहाँ भी 110 से 118 के बीच में, 120 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 119 मिली एम्पियर, ये इसका परफेक्ट लोड हुआ विथ वर्किंग कंडीशन ऑफ DC to DC सेक्शन ऑल्सो। अभी सिर्फ रेगुलेटर काम कर रहा है और IC में वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट से ही ये काम कर रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर पावर ऑन वोल्टेज यहाँ पर आएगा तभी जाके ये पूरी सर्किट काम करेगी। अब हम एक एक चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे है। तो इस वायर को हम डायरेक्टली सोल्डर कर लेंगे पहले आगे, ओके, और आउटपुट 0, बिकॉज यहाँ पर कंडक्ट करने लगा है ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ दिस इनपुट, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो हो गया। अगर जो मैं ये वायर निकाल दूँ तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, और यहाँ वोल्टेज आ जाएगा तो आपका ये जो आउटपुट बनना जो अभी बन रहा है 14 वोल्ट के करीब, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। 5 से 14 बन रहा है इसमें, 5 इनपुट
ओके, और 14 बूस्ट आउटपुट हुआ, ओके। सो यहाँ पर गड़बड़ी क्या थी, ये जो टिकॉन प्रोसेसर को जो काम करना चाहिए था हमने मैनुअली किया है, पावर ऑन दिया है, ठीक है, 3.3 वोल्ट मैनुअली दिया है, जबकि यहाँ से निकलना चाहिए था। और यहाँ पे हमने और एक काम किया है कि ये रेजिस्टेंस हमने निकाल के यहाँ रख दिया है, और 10K का यहाँ 15K का रजिस्टर के थ्रू मैं 3.3 वोल्ट दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर 0.6 वोल्ट से हमारा मतलब है, तो हमने वो प्रोवाइड करवा दिया और आउटपुट बनने लगा। और यहाँ पर करंट जो शो कर रहा है वो है 210 मिली एम्पियर, ये होगा ऑन सर्किट का, मतलब जब दोनों लोड काम कर रहे हैं, 3.3 एंड बूस्ट वोल्टेज के दोनों लोड कनेक्ट हो गए, तो फिर ये आउटपुट एम्पियर ये रहेगा, ये याद रखना और आप लिख लो, ये बेसिक्स आपके काम आएगी रिपेयरिंग करते वक्त।